बागेश्वर में सिवर ट्रीटमेंट प्लांट का सपना आज भी फाइल से आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि नगर वासियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि 2017 में इसके लिए 49 करोड़ की DPR बनाकर शासन में भेजी गई थी। वह इस वर्ष पेयजल निर्माण निगम ने करीब 1 अरब 45 करोड़ की DPR बनाकर शासन में भेजी है। करीब 40,000 आबादी वाले बागेश्वर नगर को जिला बनने के 26 साल और राज्य बनने के 23 साल बाद भी ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा नहीं मिल सकी है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सूबे के दो मुख्यमंत्री सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि हर चुनाव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा रहता है। साथ ही आपको बता दें कि प्लांट ना होने के चलते सीवरेज से भूजल के साथ साथ सरयू तक गंदगी पहुंच रही है।